अरमान के जिस तरीके से करीब जाने की कोशिश कर रही है अब रूही, ये बात बिल्कुल भी अबीरा को पसंद नहीं आ रही। अबीरा ने इस बारे में साफ साफ अरमान से बात भी की और उसे बता भी दिया कि उसे रूही की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अबीरा भले ही अरमान से प्यार ना करती हो, लेकिन वो ये जानती है कि रूही इस घर की बहू है और एक बहू के तौर पर ये हरकतें उसे बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। ये उसके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े करती हैं और यही बात जब उसने अरमान को बताई तो अरमान सच नहीं बता पाया। अरमान चाहता तो अबीरा को सब बता सकता था, लेकिन यहाँ आप जानते ही हैं कि अरमान को भी इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि वो अबीरा से शायद प्यार कर बैठा है, लेकिन इस बात को फिलहाल वो अभी जाहिर ना करे। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से दादी सा के दोस्तों के आने पर बहुत ज़्यादा अरमान, अबीरा और रूही एक्साइटेड है और उस दौरान जिस तरीके से अरमान के करीब जाने की कोशिश एक बार फिर से कर रही है रूही, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है अब अबीरा को गुस्सा आया है। अबीरा ने सीधे हाथ उठा दिया है। जी हाँ, अबीरा ने अब रूही को थप्पड़ जड़ दिया है। हालांकि अबीरा की इस बात को देखकर अरमान नाराज जरूर हुआ है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए खुद अरमान भी जिम्मेदार है और खुद रूही भी। अबीरा चाहती तो इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं रूही की, इन सारी चीज़ों से अब बेहद परेशान हो चुकी है वो, और इसीलिए अब उसने सीधे सीधे जो है थप्पड़ जड़ा है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये चीज़ करके सही किया है? क्या आपको लगता है कि वाकई में रूही समझने को तैयार ही नहीं थी और इसीलिए अब अबीरा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची? आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि अबीरा ने जिस तरीके से रूही को थप्पड़ मारा है वो सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।